स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर टॉपिक फॉर लाइफ स्किल्स ए वन फेज वन बी। माई टूडेज टॉपिक इज हेल्थ एंड फिटनेस। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी आज की वीडियो जो है ये स्पॉन्सर की है शानी गारमेंट्स ने, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पर ही कहीं अभी इसी वक्त चलाऊँगा। और बाय द वे, आप उस नंबर पर कॉल करके आइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना मंगा करें। मुझे उनकी कॉल आई थी कि सर, किसी बंदे ने कॉल की थी और वो मुझे कह रहा था कि मुझे बताएं टेस्ट कैसे बुक करना है। तो मैंने उसे कहा कि मैंने उसे आपका नंबर दिया फिर आगे से। सो वो नंबर में गारमेंट्स की एक शॉप है जो कि क्राउन प्लाजा नांगी में शॉप नंबर 2 है, शानी गारमेंट्स। क्योंकि वो एक अच्छे होल सेल डीलर्स हैं, इसलिए मैं उनका जो है ना यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि आप लोग जो कि ज़्यादातर यूके जाना चाहते हैं और उससे पहले ख़रीदारी करनी होती है, लाजमी इस शॉप का विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जो है ना रेट्स भी मिलेंगे और क्वालिटी जो स्टफ़ की होगी वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। टॉपिक है हेल्थ एंड फिटनेस। ये आपको टॉपिक कैसे दे सकते हैं, वो कह सकते हैं आई वुड लाइक यू टू आस्क अदर कैंडिडेट दैट हाउ डज ही और शी कीप्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ हेल्दी। हाउ डज ही कीप हिमसेल्फ हेल्दी और फिट। इस तरह से आपको वो ये टॉपिक देंगे। ठीक है, सो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अभी नोट कर लिए हैं। बाय द वे, मैं ये बड़े कोई 4-5 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ ड्यू टू बैड हेल्थ। हेल्थ अच्छी नहीं थी मेरी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज मैं फिर जो है ना काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सोचा चलें साथ साथ ये काम भी जारी हो जाए। फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड फूड। सेकेंड पॉइंट, एक्सरसाइज। थर्ड पॉइंट, स्पोर्ट्स। फोर्थ पॉइंट, फ्रूट्स। फिफ्थ पॉइंट, वेजिटेबल्स। एंड सिक्स्थ पॉइंट, प्रॉपर स्लीप। ओके, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद सोच सकते हैं। दोज आर रिलेटेड टू हेल्थ। उसमें ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, बहुत से पॉइंट्स हैं। और ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। मैं पहले दूसरे बंदे से इनमें से किसी एक चीज़ के बारे में पूछूंगा, बल्कि पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा कि आर यू, डू यू थिंक यू आर अ हेल्दी पर्सन। वो कहेगा यस, आई थिंक आई एम अ हेल्दी पर्सन। ओके, देन डू यू ईट बैलेंस्ड फूड फॉर गुड हेल्थ एंड फिटनेस। डू यू ईट बैलेंस्ड फूड, कौन सा होता है मतवाजन गज़ा, यानी कि एक जैसी नहीं, जो यानी कि सुबह कुछ और खाया, दिन को कुछ और खाया, रात को कुछ और खाया, नेक्स्ट डे कुछ और खाया, ये होती है बैलेंस्ड फूड, इसको कहते हैं मतवाजन गज़ा। ठीक है, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मकदार में जो है ना वो आपकी ग़िज़ा में मौजूद होनी चाहिए, उसको कहते हैं बैलेंस्ड फूड। ठीक है, सो आप पूछ सकते हैं डू यू ईट बैलेंस्ड फूड फॉर गुड हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, वो बंदा कहेगा यस आई ईट बैलेंस्ड फूड फॉर गुड हेल्थ। ओके, देन you can ask that person about do you think balanced food is good for your health. Okay, yes I think. How it's good for your health, wo puche. Theek hai, it's good for health because we have all different types of ingredients, those are needed for to our human body. Okay, vitamins and there are many other ingredients those we need. Okay, number 2, exercise. Like abhi hum balanced food mein pooch sakte hain, like
How often do you eat vegetables? How often do you eat meat? जिनके आप मीट जो है बीफ, हाउ ऑफन डू यू ईट बीफ? व्हाट इज योर रूटीन ऑफ ईटिंग मटन, चिकन? डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हैं बैलेंस्ड फूड में, ठीक है? फिर आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। डोंट यू टेक एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ? नो, व्हाई नॉट? आई टेक एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ। ओके, वेयर डू यू टेक एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ? वेयर डू यू टेक एक्सरसाइज? वो आप जहाँ पे भी एक्सरसाइज करते हैं वो बता दें। मोस्टली एट माई होम, समटाइम्स आई गो टू जिम, जो भी है। एंड आप पूछ सकते हैं, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू टेक एक्सरसाइज? आप किस वक्त एक्सरसाइज करते हो, दिन के कौन से औकात में, मॉर्निंग में या इवनिंग में? सो इट्स अप टू यू, आप कह सकते हैं मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग। ओके, दोनों टाइम पे करता हूँ। एंड हु डू यू टेक एक्सरसाइज विद? पूछें किसके साथ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? देन आप मूव कर जाएं स्पोर्ट्स पे। व्हाट अबाउट प्लेइंग स्पोर्ट्स? डू यू थिंक प्लेइंग स्पोर्ट्स इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ? यस, आई थिंक प्लेइंग स्पोर्ट्स इज गुड फॉर हेल्थ टू। ओके, सो व्हाट अबाउट यू? डू यू प्ले स्पोर्ट और नॉट? वो कहेगा यस आई प्ले स्पोर्ट। वेयर, हाउ ऑफन, विद, ये दो तीन सवाल पूछे, ठीक है? फिर आगे चले जाएं फ्रूट्स पे। आर फ्रूट्स इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ? इस तरह पूछ लें अब आप, ठीक है? वो कहेगा यस, फ्रूट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। फिर आप पूछें, हाउ ऑफन डू यू ईट फ्रूट्स? विच फ्रूट डू यू ईट इन समर्स? डू यू लाइक टू ईट इन समर्स? विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट इन विंटर्स, इन विंटर सीजन? ओके, आप ये पूछ सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू ईट फ्रूट्स? ये भी पूछ सकते हैं। वैन डिड यू ईट अ फ्रूट लास्ट टाइम? ये भी पूछ सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। वेजिटेबल्स पे आ जाएं, वेजिटेबल्स पे भी वही क्वेश्चन करें जो फ्रूट्स पे किए हैं, ठीक है? आर नॉट वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ? ओके, ये भी पूछें। फिर आगे वेजिटेबल्स का पूछें, फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है, ठीक है? देन नंबर सिक्स, प्रॉपर स्लीप। डू यू स्लीप प्रॉपरली फॉर योर गुड हेल्थ? ये पूछें। हाउ ऑफन डू यू स्लीप प्रॉपरली? ओके, ये पूछें, ठीक है? डू यू थिंक इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ? ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ये है आज का टॉपिक जो मेरे दिमाग में अभी वक्ती जो चीज़ें आई हैं। वाटर के बारे में पूछें, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह मैं जल्दी आऊँगा एक और टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह आप जल्दी आऊँगा। ये 2-3 दिन कुछ सेहत ठीक नहीं थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं कल एक और टॉपिक के साथ जो है ना आऊँगा आपके पास। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।